मोकामा के मराची में हुआ सुरगने ब्रह्म ऋषि प्रांतीय महासम्मेलन। बिहार के विभिन्न जिलों से 300 से ज्यादा गांवों से जुटे हजारों सुरगने ब्रह्म ऋषि, 25,000 लोगों के आतिथ्य सत्कार से बढ़ी मराची की प्रतिष्ठा। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन आज आपको एक ऐसे ऐतिहासिक आयोजन की झलकियां दिखा रहा है जिसने सामाजिक एकता, सद्भाव और एक गोत्रीय परंपरा को सेतुबंध करने की मिसाल कायम की है। मोकामा के मराची ग्राम में 20 सितंबर को पूरे बिहार से सुरगने ब्रह्म ऋषि जुटे। कीर्ति शेष बाबू सियाराम प्रसाद सिंह की श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर गंगाराम परिवार की ओर से सुरगने ब्रह्म ऋषि प्रांतीय महासम्मेलन का आयोजन हुआ। बेगूसराय के प्रसिद्ध गंगाराम घी उद्योग तथा मिष्ठान उद्योग के संस्थापक सियाराम प्रसाद सिंह का देवलोक गमन 8 सितंबर 2021 को हुआ। उनकी स्मृति में उनके परिवार वालों ने सुरगने ब्रह्म ऋषि का प्रांतीय महासम्मेलन आयोजित किया, जिसमें आतिथ्य सत्कार और अपनत्व की बेमिसाल मेजबानी ने सबके दिलों को जीत लिया। बिहार के दूर दूर के जिलों से आए लोगों ने एक गोत्रीय लोगों से मिलकर समाज हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा जताई। इसमें सुरगने ब्रह्म ऋषि समिति का गठन करना और सामाजिक एकता, समरसता, गठजोड़ को मजबूती प्रदान करना महत्वपूर्ण है। समाज की शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करना, बिहार विवाह को सुगम और सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करना सहित सुरगने ब्रह्म ऋषि का पूर्ण सामाजिक सशक्तिकरण शामिल है। गंगाराम परिवार के विक्रम सिंह, राजकुमार सिंह, गोपाल सिंह, बिट्टू सिंह और पंकज सिंह ने अद्भुत आतिथ्य सत्कार से सभी का दिल जीत लिया। करीब 25,000 लोगों को काला जामुन, रसगुल्ला, मोतीचूर, फिर कदम, स्पंज, मैसूर पाक जैसे दर्जन भर व्यंजन परोसे गए। इस ऐतिहासिक आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह, पूर्व मंत्री श्याम सुंदर सिंह धीरज, पूर्व विधायक फुलेना सिंह, मोकामा के लोकप्रिय नेता और सामाजिक कार्यकर्ता नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह, रजरप्पा नेता आशुतोष सहित सैकड़ों लोकप्रिय व्यक्तित्व शामिल हुए। प्रांतीय महासम्मेलन को लेकर पूरे मराठी गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया था। गांव के हर व्यक्ति ने इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने में अपनी सहभागिता दिखाई। मोकामा और मोकामा के आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक लघु किसान परिवार में पैदा लिया हुआ व्यक्ति विशुद्ध ईमानदारी से मेहनत और व्यापार करके एक छोटा दुकानदारी से आज 7-7, 8-8 दुकान उनके बेगूसराय क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े हैं और लगभग करोड़ों का ट्रांजैक्शन है उनका। और आज जो वो अपने पिता सियाराम बाबू के देहांत पर श्राद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें सुरगने भूमियारों का पूरे बिहार में लगभग 165 गांव में ये लोग पाए जाते हैं, वहां से सारे लोगों को बुलाया गया है। लगभग 20,000 से एवं लोगों की खान पान की व्यवस्था की है, जो आज सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ है और अभी हम 8-9 बजे आपसे बात कर रहे हैं। लगता है 12-1 बजे तक यह कार्यक्रम हमको चलाना पड़ेगा। सियाराम प्रसाद सिंह का श्रद्धांजलि कार्यक्रम बहुत ढंग से, बहुत ही सिस्टम के अनुसार चल रहा है। ये कार्यक्रम सुबह लगभग 10 बजे से शुरू हुई है, लोगों तक आने तक चलेगी। और सियाराम बाबू का जो ये महाभोज का आयोजन हुआ है, ये बिहार लेवल पर है।